ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टेस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मेरे यहाँ वो मेरी वजह से नहीं आए हैं, वो अखिलेश जी के साथ आए थे, पार्टी के अध्यक्ष हैं, जाहिर है अच्छा तो लगा। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का रुख देख कर शायद अखिलेश यादव दुखी हो जाएंगे। जरा देखिए ना अभी रुखी, पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी की नेता तंजीम फातिमा कह रही हैं कि पार्टी अध्यक्ष थे तो आए, उनका मन था आए और चले गए। अब इस बेरुखी का क्या ही कीजिएगा। उन्होंने बस हजम खान साहब की खैरियत ही पूछी और कोई खास बातचीत नहीं हुई। नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। कोई खास बातचीत नहीं हुई है, बस मिलने आए थे, मिले, खैरियत पूछी। इतना काफी टाइम आपको भी जेल से आए हुए हो गया, आजम खान साहब भी काफी समय से जेल में बंद है, अभी तक जेल नहीं मिलने गए, पहली बार वो आपसे मिलने के लिए आए, क्या कहेंगे? ये उनकी मर्जी पे निर्भर था कि वो कब आए और कब जाएं, इससे मेरा कोई वो नहीं। क्या लगता है जैसे इस समय उपचुनाव चल रहा है तो कहीं उपचुनाव को लेकर के मुस्लिम वोट की जरूरत है, तो ऐसा तो नहीं कि आजम खान को लेकर इसलिए आपसे मिलने आए? देखिए, मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती हूँ, ये तो उनकी अपनी बात है मन की। वैसे क्या आश्वासन दे करके गए? नहीं, कोई आश्वासन उन्होंने मुझे नहीं दिया। मतलब आजम खान साहब के ऊपर जिस तरह से परेशानियां चल रही है, जिससे भी जेल में बंद है, तो कोई उनको लेकर के कोई आश्वासन दिया? देखिए, वो आश्वासन देने की स्थिति में भी नहीं है, मामले कोर्ट में चल रहे। आज सांसद जी भी के साथ में जी, सांसद जी के साथ में। हाँ जी, पहली बार देखने को मिला, अब क्या है? मेरे यहाँ वो मेरी वजह से नहीं आए हैं, वो अखिलेश जी के साथ आए थे। लगातार बयान दे रहे थे जी, उन्होंने बयान भी दिया थे, सुधार की जगह आजम खान अंदर हैं। जी हाँ, उन्होंने बयान दिए थे, लेकिन बहरहाल वो अखिलेश जी के साथ आए थे। अखिलेश जी आपसे मिलने के लिए आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कुछ खुशी है आपको उनके आने से? देखिए, पार्टी के अध्यक्ष हैं, जाहिर है अच्छा तो लगा। दरअसल मुरादाबाद की कुंदरकी में चुनावी सभा के बाद आजम खान के घर अखिलेश यादव पहुंचे। जेल में बंद सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की गैर मौजूदगी पर उनके बेटे अदीब आजम ने अखिलेश यादव की अगवानी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से भी मुलाकात की, लेकिन लगता ऐसा है कि इस मुलाकात के बाद भी तल्खी कम नहीं। दरअसल आजम खान और अखिलेश यादव के सियासी रिश्ते हमेशा से उठा पटक वाले रहे। इसमें जोरदार तल्खी तब आई जब लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद की सीट पर रुचि वीरा को टिकट देने को लेकर बवाल मचा। माना गया कि जेल में बंद आजम खान नाराज हो गए, उन्होंने रामपुर में अपने खास आसिम राजा को आगे करके चुनाव के बहिष्कार की बात कही, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए रामपुर से आजम खान के परिवार और करीबियों से इतर मोबिल्ला नदवी को टिकट दे दिया। वहीं आखिरी वक्त में मुरादाबाद में भी आजम खान की मांग के खिलाफ एसटी हसन को टिकट देने की कोशिश की गई, लेकिन एसटी हसन अपना पर्चा ही नहीं भर पाए। इस पूरे प्रकरण के बाद पहली बार रामपुर में आजम खान के परिवार से जाकर अखिलेश यादव ने मुलाकात की। नदवी की मुलाकात को लेकर तंजीम बहुत खुश नजर नहीं आई। रामपुर से आमिर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।